गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं आज 4 बजे ही उठा था, पूरा हर एक काम, ईट लेकर आया, मोरंग लेकर आया, गिट्टी लेकर आया, हर एक चीज लेकर आया हूँ। मैं मास्टर केस बनाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन कम्प्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं अपना सेटअप थोड़ा सा बड़ा करूंगा। तो वही सब तैयारियां चल रही, इसी वजह से वीडियो आ नहीं पा रही थी आप लोगों के पास। करीब 12 से 15 दिन हो गया है वीडियो नहीं डाला हूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। आप लोग अभी दिखाऊंगा आपको अपना बजीस का, ये लोग अंडे वंडे कुछ दे रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, इस वजह से वीडियो बनाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए तुरंत चलते हैं अपने बजीस फ्रेंड के पास, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वहां पे जहां पे मास्टर केज बनाऊंगा। ये रहे मेरे पूरे बजीस पैरेट, ये तो हमेशा अंदर ही बैठी रहती हैं। इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है और इसमें भी खाली है। यार मैं इतने अच्छे से इन लोगों का ध्यान रखता हूँ। देखिए बड़े भी हो गए हैं ये लोग, काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन कोई भी पेयर नहीं बना रहा, कोई भी अंडे नहीं दे रहा। यार इस वजह से बहुत परेशान था शायद, लेकिन अब मास्टर केज बना लूंगा तो उसमें अपने ये लोग ब्रीड करेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स लेकर आएंगे। ये देखिए काफी ज्यादा मेहनत पड़ गई, सुबह 4 बजे ही उठा हूँ, पूरा ईट वगैरह सब लेकर आया हूँ। देखिए कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन अंडे नहीं दे रहे हैं यार ये लोग। बस ये जो है एक अंडा ले करी थी, उसके बाद अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया, हमेशा मटकी में बैठी रहती है, पता नहीं क्या रीजन है। अगर किसी भाई को पता होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये क्या रीजन है इसका, कि ये अपने मटकी में हमेशा बैठी रहती है। मेरे पास टोटल 9 हो गए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 1, 8 और अंदर मटकी में 9। अभी मैं और इसको लेकर आऊंगा, बजीज लव बर्ड भी लेकर आऊंगा, कॉकटेल भी लेकर आऊंगा, फिंच भी लेकर आऊंगा, रैबिट भी लेकर आऊंगा, व्हाइट सीजन भी लेकर आऊंगा, सब लेकर आऊंगा। बस आप लोग अच्छे से मेरा साथ दीजिए। तो मुझे बहुत काम है, इस वजह से छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। इस जगह पे मेरा बनेगा सेटअप पूरा, ये सीढ़ी हटा के कब यहाँ तक बनाऊंगा। ये जो है ये देखिए बालू आ गई है, ये मोरंग हो गई है और ये ईंट और ये हो गई है जाली। तो यहीं पे अपना पूरा सेटअप बनाऊंगा, यहाँ पे खूब अच्छे से अच्छे बर्ड्स लेकर आऊँगा। इस जगह पे ही बस कुछ ही दिन के अंदर मेरा केज मास्टर केज बनके तैयार हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि यार मेरे बजीज पैरेट अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो चलते हैं अपने, जब तक हम उसको कंप्लीट करवाते हैं, अभी मिस्त्री आ जाएंगे, वो भी बनाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी पूरा तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह अभी काम करेंगे, उसके बाद हम भी काम पर चले जाएंगे। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम में, ऐसे करके कंप्लीट करेंगे मेरा मास्टर केज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।